जंगली जानवरों की हैरत अंगेज मजाकिया है और ज्ञानवर्धक वीडियो से आपको रूबरू करवाने के लिए आज आपका डीप इन्फो एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है अमेजिंग एनिमल मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 14। फैंस के कांटे में फंसे इस टिड्डे को देख अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सब ओवर स्पीडिंग का नतीजा है तो रुकिए जनाब, ये काम दरअसल श्राइक नाम की इस चिड़िया ने किया है। श्राइक एक ऐसा पक्षी है जो अपने इस ब्रूटल हंटिंग टेक्निक के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। श्राइक की इस आदत के चलते इन्हें बचर बर्ड या कसाई चिड़िया भी कहा जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जब छोटे मोटे कीड़ों को पकड़कर सीधा खाया जा सकता है तो ये भला ऐसा क्यों करता है, तो बता दें कि श्राइक ऐसा एक तो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के लिए करते हैं, दूसरी वजह ये भी है जहरीले शिकार को मारकर जब इस तरह से छोड़ दिया जाता है तो उसमें मौजूद टॉक्सिन समय के साथ साथ ब्रेक हो जाते हैं। वैसे तो गोट्स की लगभग सभी ब्रीड्स डरपोक होती हैं, लेकिन इनकी मायोनिक या फेंटिंग गोट्स ब्रीड इतनी ज़्यादा डरपोक होती हैं कि इन्हें ज़रा सी भी अलग आवाज़ सुनाई दी जाए तो ये बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। रूटीन से ज़रा सी भी अलग हलचल महसूस हो तो ये बेहोश भी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इन्हें जरा सा भी डरा दिया जाए तो ये बेचारी घबराहट के मारे बेहोश हो जाती हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद ये वापस ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन फेंटिंग तो फेंटिंग हो ऐसा ना भाई। प्रकृति ने हर जीव को कुछ न कुछ खास दिया है, कोई अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए मशहूर है तो कोई अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए, लेकिन यूरोपिया मेटिकुलोडिना नामक ये मौत अपनी कैमोफ्लेज यानी छलावरण के लिए मशहूर है। इस मौत के कुछ इस प्रकार के विंग्स होते हैं जो फोल्ड होने के बाद ऐसे दिखते हैं कि मानो कोई सूखी पत्ती पड़ी हो। कौवे और कंकड़ वाली कहानी में अब तक हमने सुना कि कौवे काफ़ी चतुर होते हैं, लेकिन असल में कौवे उस कहावत से कहीं ज़्यादा शातिर दिमाग होते हैं जिसका जीता जागता सबूत है ये कौवा। देखिए कैसे जनाब ने अखरोट फोड़ने के लिए तरकीब लगाई और इसे सड़क के बीचों बीच रखकर साइड में खड़ा हो गया ताकि कोई गाड़ी इसके ऊपर से निकले तो अखरोट उसके खाने के लिए तैयार हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इस बाज ने शायद ये कहावत कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली। डॉग्स इंसानों के सबसे करीबी और वफादार जानवरों में से एक होते हैं। इस बात को एक और बार साबित किया टर्की के रहने वाले सीजर नाम के इस डॉग ने। सीजर ने उस समय दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी जब 2017 के दौरान उसके मालिक की मौत हुई। सीजर ने अपने मालिक के फ्यूनरल में हर जगह अपना दर्द तो जाहिर किया ही था, साथ ही साथ वो कई महीनों तक मालिक की कब्र के आसपास उदास शक्ल लिए घूमता हुआ दिखाई दिया। सीजर की वफादारी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अपने घरों में कुछ इस तरह के ततैये तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इन्हें अपने घोंसलों पर साउंड और वाइब्रेशन महसूस होती हैं तो वे कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ततैये ऐसा क्यों करते हैं तो बता दें कि जब उन्हें अपनी कॉलोनी पर खतरा महसूस होता है तो ये सभी एकजुट होकर हमलावरों का मुकाबला करने की तैयारी में ऐसा करते हैं। साउंड और वाइब्रेशन से सिग्नल जितने ज़्यादा मिलेंगे उतने ही ज़्यादा ततैये सैनिकों की तरह बाहर निकल कर खड़े हो जाएंगे। क्या आपने देखा है कभी ततैयों को ऐसा करते हुए, कमेंट्स में हमें बताना जरूर। अब जब डिफेंस मैकेनिज्म की बात चल ही गई है तो चलिए आपको इन कैटरपिलर से भी मिलवा देते हैं जो अपने आसपास किसी भी तरह की आवाज सुनकर कुछ इस तरह से नाचना शुरू कर देते हैं। ये कैटरपिलर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके मुख्य शिकारियों में से एक होती है ये जंगली मक्खियां। जब कोई भी मक्खियों का झुंड इन पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये कैटरपिलर्स उनकी भनभनाहट की सिग्नल पाकर कुछ इस तरह से नाचने लगते हैं ताकि मक्खियां उनके शरीर से दूर हो जाए या फिर चिपक ही ना पाए। Ah!
दोस्तों इंसान हो या जानवर, एक माँ की ममता हर जगह समान रहती है। और इसी बात को साबित करते हुए आती है जून 2023 के दौरान नेपाल से वायरल हुई है अगली क्लिप। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक गाय अपने बछड़े की सुरक्षा में सड़क के बीचोंबीच खड़ी है। दरअसल उसका बछड़ा सड़क पार करते समय बीच रास्ते में ही थक गया और हिम्मत हारकर वहीं गिर पड़ा। अब गाय उसे उठाकर ले जा नहीं पाई तो उसने बछड़े के आगे खड़े होकर उसकी सुरक्षा करना शुरू कर दिया। यहाँ आमतौर पर एक गाय बछड़े के महज पास जाने में भी आक्रामक हो जाती है, वहीं इस बछड़े को जब एक आदमी ने उठाकर सड़क पार करवानी चाहिए तो गाय ने उसे कुछ भी नहीं किया। सच में माँ तो माँ होती है। दुनिया के सभी माओं के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अप्रैल 2019 के दौरान कर्नाटक के नारगुंड से वायरल हुई इस क्लिप में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को शोक सभा में रिकॉर्ड किया गया। यहां आप देखेंगे कि फ्यूनरल के दौरान रोती हुई महिलाओं के पास एक लंगूर आया और सबसे ज्यादा रो रही महिला के ठीक पास में बैठकर उसे सांत्वना देने लगा। इससे भी जब महिला नहीं रुकी तो लंगूर ने उसे गले लगा लिया। एक लंगूर की ऐसी हरकत देख हर कोई हैरान रह गया, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो गांव में रहने वाले इस लंगूर ने शोक सभाओं के दौरान लोगों को आपस में सांत्वना देते हुए देखकर वैसा ही व्यवहार अपना लिया। पिछले कई सालों में ये लंगूर लोगों के फ्यूनरल्स में जाकर लोगों को सांत्वना देता आ रहा है और अब तो जब ये लंगूर नहीं पहुंचता तो यहाँ की शोक सभा ही अधूरी मानी जाती है। साथ ही साथ बता दें कि ये लंगूर ऐसा सिर्फ शोक सभाओं के दौरान ही करता है, ये जांच करने के लिए जाता तो सभी सोशल गैदरिंग या शादी समारोह में है, लेकिन रुकता वहीं पर है जहां किसी की शोक सभा चल रही हो। कुछ ऐसे ही एक और क्लिप अक्टूबर 2022 के दौरान श्रीलंका से वायरल हुई, जिसमें एक बंदर अपने मालिक की अंतिम यात्रा के दौरान उसे उठाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया। एक बाघ को ट्रैकुलाइजर देने के बाद भी पकड़ना कितना खतरनाक होता है, यह आप अक्टूबर 2023 के दौरान यूपी के पीलीभीत से वायरल हुई इस घटना में देखने वाले हैं। हुआ यूं कि पीलीभीत के पास मौजूद खेतों में एक बाघ घुस गया, जिसे पकड़ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। अब बाघ को नशा आने के बाद ऑफिसर्स ने इसे पकड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन वे जैसे ही इसे पकड़ने के लिए करीब आए तो बाघ एक बार फिर से उन पर कुछ इस तरह से हमला करने में जुट गया। गनीमत रही कि बाघ के हाथ कोई भी नहीं लगा और वो एक हमला करते ही वापस गिर पड़ा। यहाँ बात जरा सी भी इधर उधर होती तो अंजाम काफी खतरनाक हो सकते थे। यहाँ आप देखेंगे कि क्या हुआ जब एक गाय ने सड़क पर पड़े खाली सिलेंडर को अपना दुश्मन मान लिया और इससे मुकाबला करने में जुट गई। खैर बेचारी गाय को मिला तो कुछ नहीं, लेकिन लोगों का मनोरंजन जरूर हो गया। अब तक आपने अनेकों तरह के कीड़े देखे होंगे, लेकिन एक नज़र गोल्डन टॉर्टोइस बीटल नाम के इस कीड़े पर डालिए, जिसे देखने पर लगता है कि मानो सोना ही घूम रहा हो। अगली क्लिप में आप देखने वाले हैं कि चिड़ियाघरों में हिप्पो जैसे विशालकाय जानवरों की डेंटल क्लीनिंग कैसे की जाती है। उबले हुए अंडे छीलने में जहां एक इंसान भी कड़ी मेहनत के बाद सफल होता है, वहीं इन बंदर जनाब को देखिए जिन्होंने एक अंडे को बड़े ही आराम से छील दिया। कोई अपने शरीर को कितना खींच सकता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ स्किन का खिताब इन जनाब के नाम दर्ज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्नेल्स अपने शरीर को इसकी लंबाई से 20 गुना तक खींचकर लंबा कर सकते हैं, आप इन कुछ क्लिप्स में देख सकते हैं। यहाँ बाइक पर बैठी बिल्ली ने तो चलो उड़ते हुए पक्षी को देखकर छलांग मारी, लेकिन नीचे बैठी इस बिल्ली को क्या हुआ था। एक नजर इस जिराफ माँ की ममता पर भी डाल लीजिए। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बंदरों की अनेकों स्पीसीज आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इतना छोटा बंदर देखा है जो महज 2-3 इंच के टिड्डे जितना हो? नहीं तो आज देख लीजिए। जिस बंदर को देखकर आप हैरान हो रहे हैं वो बंदर पिग्मी मार्मोसेट स्पीसीज से बिलोंग करता है और ये बंदर अधिकतम 5 इंच तक ही ग्रो कर सकता है। कल्पना कीजिए आप घर में आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक भालू आपके घर में कुछ इस तरह से घुस जाए। पैसे और जेवरात चोरी करने आए चोर डाकू हों तो इंसान एक बार के लिए फिर भी शांति से बैठ सकता है, लेकिन ऐसा नजारा देखकर आप क्या करेंगे कमेंट्स में हमें बताना जरूर।
पैंडा दुनिया के सबसे मनमोहक और क्यूट जानवरों में से एक होते हैं और अगली क्लिप शायद इस बात को साबित भी कर देगी। हाथी वैसे तो इंसानों से काफी मिलनसार जीव होते हैं, लेकिन कई बार सेल्फीज खिंचवाते खिंचवाते ये बेचारे भी थक जाते हैं, जिसके नतीजे क्या होते हैं एक बार आप खुद देखिए। कुछ ऐसा ही हाथी के साथ रील शूट कर रही मोहतरमा के साथ भी हुआ। एक नजर इस किटन पर डालिए, जिसने टॉम एंड जेरी में टॉम की पिटाई होते देख क्या किया। केरला के वायनाड से वायरल हुई ये क्लिप बताती है कि जंगल से गुजरते समय हमें न सिर्फ गाड़ियों बल्कि जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। रास्ते पर चलते चलते एक्शन मारने का शौक सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बिल्लियां भी रखती हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक बंदरों में से एक बबून बगैर बालों के और भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। इन जनाब को देखिए और कल्पना कीजिए कि मगरमच्छ से मस्करी कर रहे इस शख्स को अगर मगरमच्छ ने दबोच लिया होता तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता था। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ के पास लेटे हुए शख्स को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि असल में कितना बड़ा है। फोटो में दिख रहा पेड़ अगर आपको भी मेरी तरह साधारण पेड़ ही दिखाई दे रहा है तो जरा रिवर्स करके एक बार फिर से गौर फरमाइए। वैसे पहली नजर में आपको क्या लगा था कमेंट्स में हमें बताइएगा। एक नजर कुदरत के बनाए इस अद्भुत इंजीनियर पर डालिए जो अपना घोंसला बनाने की कश्मकश में जुटा हुआ है। हाइड एंड सीक गेम सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी खेलते हैं। बस फर्क इतना है कि हम टाइम पास के लिए खेलते हैं और जानवर अपना अस्तित्व बचाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल फीमेल्स को आकर्षित करने के लिए कुछ इस तरह की तरकीब काम में लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में डाइविंग करने के लिए गए हुए हैं और इसी दौरान एक सैंड टाइगर शार्क अपने नुकीले दांत कुछ इस तरह से आपको दिखाए। समय के साथ साथ सभी जीव अपने जरूरतों के अकॉर्डिंग इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे बाली के इन डकैत बंदरों को ही देख लीजिए, यहाँ जो लोग बंदरों के लिए खाना नहीं लाते उनसे सामान छीन लिया जाता है और बाद में इसी सामान से अपने खाने पीने की चीजों के बदले ट्रेडिंग की जाती है। ये भालू का क्यूट बच्चा किसी टेडी बियर से कम नहीं लग रहा। इन दो बेबी एलिफेंट को देखकर क्या आपको भी बचपन में भाई बहनों से हुई छेड़खानी की याद आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, इन दो नन्हे भालुओं को देखकर तो आपको जरूर याद आई होगी। इस पैंडा की उदासी देखकर लग रहा है कि आज पक्का इसकी गर्लफ्रेंड नाराज हुई होगी। मौत से चंद सेकंड पहले का समय कैसा लगता है इस वार थोक से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। एक नजर मानवता भरी इस खूबसूरत क्लिप पर भी डालीजिए। डॉग्स को जो मिले उसे उन्हें चबाने की गंदी आदत होती है, लेकिन ये गंदी आदत इन्हें कुछ इस तरह की मुसीबतों में भी फंसा देती है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज में कचरा मिलना तो साधारण बात है, लेकिन यहां एक विशालकाय अजगर घुसा हुआ देखने को मिला।
काफी लोगों के मन में सवाल रहता है कि भालू और बाघ जैसे ताकतवर और खतरनाक जीव के बीच अगर लड़ाई हो तो जीत किसकी होगी। इस बात का अच्छा खासा जवाब ये अगली क्लिप देती है। उम्मीद है पार्ट 14 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 14 जरूर लिख देना। धन्यवाद।